अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ड्रामा सिर्फ दिल पे जख्म खाए हैं ड्रामे का इंटरेस्टिंग प्रोमो नशर कर दिया गया और इसके साथ साथ हम जो है वो सवेरा का अंजाम वाली वीडियो इसके बाद नशर करेंगे, वो आप देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि नाज़रीन सवेरा यहाँ पर बैठी होती है शफक के पास, जिसके बाद शफक जो है वो कहती है कि मुझे जो है तुम में बहुत ही ज़्यादा तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं सवेरा, जिसके बाद सवेरा पूछती है कि तुम्हें मुझ में क्या तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं शफक, जिसके बाद शफक जो है खुल के बताती है कि मुझे लग रहा है कि तुम भी जो है वो बातें करना शुरू हो चुकी हो उस सबाहत की तरह, जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरा तो भांडा फूटने वाला है। और नाज़रीन कन्वेंस करने के लिए पीछे देखती है कि कहीं सबाहत या कोई नहीं सुन रहा, जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर क्यों सबाहत को बुरा भला इसने कहना है और कहती है कि यहाँ पर तुम क्या कह रही हो शफक, यहाँ पर तुम किससे मुझे मिला रही हो उस सबाहत से, जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातें करेगी कन्वेंस करेगी और नाज़रीन ताकि शफक जो है इसे सॉरी कहें, माफ़ कर दो मुझे कि मुझसे गलती होगी तुम्हारे बारे में मैंने ऐसा सोचा। तो नाज़रीन आप लोगों को लगता है सवेरा का क्या अंजाम होगा, वैसे वीडियो तो देख लीजिएगा, आप भी अपना ओपिनियन बता दीजिएगा। और दूसरी जानब आप लोग देखने वाले हो कि नाज़रीन उस्मान की माँ जो है वो चाय वगैरह या कुछ लेकर जा रही है के और उसके माँ के कमरे के पास गुजर रही होती है कि उसे आवाज़ें आती हैं, वो कान लगाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो सुनती है कि यहाँ पर उस सोनिया का बेड़ा बैठ जाए, यहाँ पर उसे कीड़े पड़े, उसे अल्लाह जो है वो बर्बाद कर दे। नाज़रीन इस तरह की बददुआएँ दे रही होती है। यहाँ पर खुरम की माँ खुरम यहाँ पर उठ पड़ता है, कहता है कि अम्मी अब उसे बददुआएँ दे के यहाँ पर क्या फ़ायदा मिलेगा, जिसके बाद नाज़रीन इसकी माँ कहती है कमबख्त यहाँ पर तो क्या बंदा अपने दिल का गबार भी ना निकाले, उसने हमें जो है वो बेघर तो कर ही दिया है। और नाज़रीन खुरम को वैसे अच्छी पढ़नी चाहिए। और नाज़रीन आप लोगों को लगता है अब क्या करेगी उस्मान की अम्मी, से ताने तो नहीं मारेगी। और दूसरी जानब आप लोग देखने वाले हो कि शफक को पता चला है खुरम ने और इसकी माँ ने यहाँ पर पना ली हुई है, तो यहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर उस्मान जो है वो ताई अम्मी तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही होंगी, जिसके बाद नाज़रीन उस्मान कहता है किस बारे में, जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर ये कहती है कि खुरम और मेरी अम्मी तुम्हारे घर में रह रहे हैं इस वजह से, जिसके बाद ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं। और ऊपर से शफक कहती है कि झूठ मत बोलो उस्मान। और नाज़रीन अब यहाँ पर इन लोगों की कन्वर्जेशन तो चलेगी, लेकिन ऊपर से नताशा भी शायद सुन ले क्योंकि वो हर बार ऐसे ही करती है। आप लोगों का लगता है जरूर सब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना।